Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate graduation day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी भी मौजूद थे। समझा जाता है कि रियासत में जल्द होने वाली काबीना की तौसी और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर सोनिया गांधी और पार्टी के दीगर कायदीन से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सावन का पहला पीर है। इस मुबारक दिन पर एक अहम इजलास शुरू हो रहा है। वो सावन के पहले पीर पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। आज पूरे मुल्क के अवाम इसे देख रहे हैं। ये एक मुस्बत सेशन होना चाहिए। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। मुतहदा खम्मम, वरंगल, आदिलाबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कुकटपल्ली में बड़ा दरख्त 3 कारों पर गिर पड़ा। इस वाक़े में कारों को शदीद नुकसान पहुंचा। इन कारों में कोई भी सवार नहीं था, जिसकी वजह से इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े के साथ ही बल्दिया के अमले ने वहां पहुंचकर कारों पर से दरख्त की शाखों को काटकर निकालते हुए इस रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी उनकी पार्टी के अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल के साथ सिया स्काफ पहने वेलगापुड़ी में रियासती असेंबली के करीब पहुंचे। रियासत में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर जमहूरियत बचाओ के नारे लगाते हुए वाईएस जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने असेंबली की तरफ मार्च किया, ताहम पुलिस ने उन्हें असेंबली की गेट के करीब रोक दिया। पुलिस ने असल अपोजिशन के अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल से प्ले कार्ड्स और कागजात छीन कर फाड़ डाले। साबिक वज़ीर-ए-आला ने पुलिस का सामना करते हुए बरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि उन्हें ऐसा इख्तियार किसने दिया है। पेपर गुंजको नहीं, लाख को नहीं,
इष्टे कार्यक्रम अधिकार विवरी मधुसूदन राव गुर्तको यदा प्रजास्वाम्य टोपी मीद सिंहाल अर्थमेसा अधिकार शल्यूड कटो प्रजास्वाम्या का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि हुकूमत ने आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजमीन से पाबंदी हटा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर दफ्तरी मेमो को पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर यह सच है तो यह हिंदुस्तान की सालमियत और इतिहाद के खिलाफ है। आरएसएस पर पाबंदी इसलिए मौजूद है कि इसने असल में आइन, कौमी परचम और कौमी तराने को मानने से इनकार कर दिया था। आरएसएस का हर रुकन ऐसा हलफ लेता है जो हिंदुत्व को मुल्क से ऊपर रखता है। कोई भी सरकारी मुलाजिम कौम का वफादार नहीं हो सकता अगर वो आरएसएस का कारकुन है। आरटीसी को हुकूमत में जम करने का अमल जो पिछली केसीआर हुकूमत ने शुरू किया था इंतखाबात की वजह से रोक दिया गया था। केसीआर ने ऐलान किया था कि आरटीसी को हुकूमत में जम कर दिया जाएगा और आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन तसव्वुर किया जाएगा। ये बिल गुज़िश्ता साल अगस्त में असम्बली में मंजूर किया गया था। उस वक्त की गवर्नर ने 14 सितंबर को इसे मंजूरी दे दी थी। अगले दिन इस सिलसिले में गजट भी जारी किया गया था। आरटीसी यूनियंस और मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि इस सिलसिले में ऐलान किया जाए क्योंकि आरटीसी को जम करने से मुतालिक तमाम कानूनी पहलू मुकम्मल हो चुके हैं। बताया जाता है कि हुकाम को ऐसा लगता है कि इंजमाम के अमल का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। अराजी के तनाज़े पर हुए दो ख़ानदानों के झगड़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। यह वाक़ा पलनाडु ज़िले के वन्ना देवी गांव में पेश आया। पुलिस ने बताया कि दो ख़ानदानों में अराजी का तनाज़ा है। इस तनाज़े के पेश नज़र दोनों ख़ानदानों ने लाठियों से और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। असातिज़ा की नाकाफी तादाद पर तलबा की बड़ी तादाद ने स्कूल की इमारत को मुखफल करते हुए एहतजाज किया। ये एहतजाज खम्मम जिले के पालेरू सरकारी स्कूल के सामने किया गया। इन एहतजाजी तलबा ने अपने मुतालबे की तायद में अपने वालदेन की मौजूदगी में शदीद नारेबाजी की। बेकविल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकविल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। अपने खुद के मकान में बीवी के जेवरात की चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वारदात निर्मल की माधोपुर कॉलोनी में पेश आई। इस बेरोजगार शख्स की शिनाख्त एस शिवा के तौर पर की गई है, जिसने अपने मकान में 8 तोले के तिलाई जेवर, 3 लाख रुपए मालियत के नखरवी जेवरात की चोरी की। पुलिस ने मसरूख माल इसके पास से बरामद करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शिवा की बीवी अनिता रानी सरकारी टीचर हैं। शिवा ने अपने मकान
के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होकर ये चोरी की। पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की बुनियाद पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिला चित्तूर के पोंगानूर सोमला मंडल में तालाब के करीब हाथियों ने हलचल मचा दी। 5 हाथियों के झुंड ने टमाटर की फसल को काटने के बाद फरोख्त के लिए तैयार 120 टमाटर के डब्बों को तबाह कर दिया। हाथियों का झुंड जंगल से मुतसिल खेतों में जाकर अक्सर हलचल मचाते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाता है। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के मदनपल्ली सब कलेक्टर ऑफिस में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के सबब इस आग के नतीजे में दफ्तर में रखा सामान, फाइल्स और दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े में तहसीलदार दफ्तर से लाई गई अराजिया से मुतालिक फाइल्स, इंतखाबात से मुतालिक फाइल्स और दीगर रिकॉर्ड जलकर खाकिस्तर हो गया। कल शब लगी इस आग के नतीजे में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके एबिट्स में सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स पर उसकी हामिला बीवी के सामने हमला कर दिया गया। 2 दिन पहले पेश आए इस वाक़े का वीडियो आज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ये हमला क्यों किया गया इसकी वजह मालूम ना हो सकी, ताहम हमलावर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर रहा था। बाद अज़ां पुलिस की मुदाखलत के बाद ये मामला रफा दफा हो गया। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और मशहूर होने के लिए कैमरा खरीदने के लिए एक खातून ने मालिक के मकान से लाखों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। इस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया दिल्ली में पेश आया। इस खातून की शनाख्त 30 साल नीतू यादव के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का जुनून रखती थी। ये खातून एक बंगले में काम किया करती थी। वो YouTube चैनल बनाते हुए मशहूर होना चाहती थी, ताहम उसके पास कैमरा खरीदने के लिए रकम नहीं थी, इसीलिए इसने अपने मालिक के मकान से लाखों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। इस सिलसिले में शिकायत पर पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस होंगी। कमला हैरिस नायब सदर अमेरिका के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। जो बाइडन जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं ने सदारती दौर से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कमला हैरिस की तायीद का ऐलान किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।